एक माइक्रोस्कोप दो लेंस से बनाया गया जिसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है और आई पीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कहा गया कि दोनों लेंसेस के बीच की दूरी मींस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 15 सेंटीमीटर, तो डी दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर। कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मींस हमको यूओ फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी और व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, तो पहले हमको निकालना है व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और बाद में इसमें निकालना है व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। देखिए आपको यूओ भी निकालना है और दोनों केस में एम मींस मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। तो देखिए जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज होती है तो हमारे पास डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरीके से एक रफली डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमको देखने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखिए अगर इस तरह का इसमें केस में डायग्राम बनेगा उस समय ये डिस्टेंस आपको पता है कैपिटल डी होनी है। मींस जब आई पीस के लिए देखेंगे, हम पहला केस पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको बच्चों वीओ बताना है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है और एम फाइंड करना है, ठीक है। हमको बच्चों यूओ बताना है मींस हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है और हमको एम फाइंड करना है। देखिए पहला केस हम लेते हैं तो पहले केस में व्हेन द डिस्टेंस इज एट लीस्ट डिस्टेंस, जब लीस्ट डिस्टेंस पे है तो ये तो मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर पे इमेज। बच्चों ऐसा करते हैं हमको ये डिस्टेंस टोटल दिया है डी, ठीक है, हम यहां पे डी तो हम जानते हैं, बच्चों इस डायग्राम में देखिए हमको डी पता है, ठीक है। हमारा काम यह है कि यूओ को फाइंड करना, तो देखिए यूओ को फाइंड करने से पहले हमको वीओ फाइंड होना चाहिए और वीओ फाइंड होने से पहले हमको यह पता होना चाहिए, तब तो हम 15 टोटल है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मींस हमारा काम है पहले यूई को फाइंड करना। यूई को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए फाइनल इमेज आपको पता चल गई, तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/FE = 1/D। देखिए इधर है तो माइनस का डी, माइनस 1/UE, UE भी इस तरफ है तो माइनस का UE। तो देखिए 1/FE, FE की वैल्यू कितनी है 6.25, माइनस का 1/25, डी कितना है 25, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/UE। यहां से आपको क्या मिल रहा, देखिए तो ये मिल रहा है 1/UE = तो 1/UE = 1/6.25 प्लस 1/25, ठीक है। तो 1/UE कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे 25 LCM तो ये आएगा 4+1 मींस UE आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए जब UE आपके पास आ गया है 5 सेंटीमीटर तो इस सिचुएशन में आपके पास
वीओ प्लस यूवी, यही तो होता है डिस्टेंस, और ये आपको गिवन है वीओ, देखिए ये डिस्टेंस वीओ प्लस यूवी, ये वाली डिस्टेंस, इनका सम किसके बराबर है? इनका सम है डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, और लेंस के बीच की डिस्टेंस ये कितना गिवन है बेटा? ये गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है? ये कितना गिवन है? ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया VO प्लस UE, UE कितना है? 5 इज इक्वल टू D, D का मतलब 15। तो देखिए यहां से आपको VO मिल गया, कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर। जब VO मिल गया तो आपको UO फाइंड करना कितना सिंपल हो गया? आपको पता है 1 अपान FO इज इक्वल टू 1 अपान VO माइनस 1 अपान UO, ठीक है? 1 अपान FO, FO कितना है देखिए यहां पे, FO कितना है आपके पास? तो FO है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 1 अपान VO 10 माइनस 1 अपान UO, UO कितना है पता नहीं, यही निकालना है। अच्छा तो 1 अपान UO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए इसको इधर लाए, इसको उधर ले गए, तो 1 अपान 10 माइनस 1 अपान 2। आप यहां पे जब LCM लेंगे तो 10 LCM आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा 1 माइनस 5, मीन्स UO की वैल्यू आ गई है माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। UO कितना आ गया? माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफाइंग पावर, सो मैग्नीफाइंग पावर भी हमको कैलकुलेट करनी थी। तो देखिए एक आंसर हमारे पास ये आ गया है, मीन्स ऑब्जेक्ट को 2.5 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा इससे इस तरफ, और मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? माइनस का VO अपान UO 1 प्लस D अपान FE, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा? माइनस का VO 10, UO 2.5, 1 प्लस, यहां पे सब मैग्नीट्यूड में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि इस फार्मूला निकालते समय हमने प्लस माइनस में पहले ही रख रखा है, ठीक है? तो 1 प्लस D, D की वैल्यू 25 अपान FE, FE की वैल्यू कितनी है? 6.25। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस का 20। सो मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस इज माइनस 20। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस करते हैं, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगी तो देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा भाई। उस समय आपको पता है यूवी किसके बराबर हो जाता है? एफई के। तो उस समय देखिए यूवी तो सीधा सीधा निकल आएगा 6.25 सेंटीमीटर। जब यूवी पता चल गया तो यूवी प्लस वीओ किसके बराबर है? डी, मींस 15 सेंटीमीटर, वो तो गिवन है। तो डी प्लस वीओ, डी इज इक्वल टू 6.25, तो VO यहां से आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको VO मिल गया, आपको UO निकालना है, और FO तो आपको पहले से पता है 2 सेंटीमीटर। इट मींस फ्रॉम 1 अपान FO इज इक्वल टू 1 अपान VO माइनस 1 अपान UO, वी हैव 1 अपान FO, FO की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपान VO 8.75 माइनस 1 अपान UO, UO कितना है उस केस में देखिए जरा, तो UO ही तो हमको फाइंड करना है, देखना क्या है। तो 1 अपान UO इज इक्वल टू 1 अपान 8.75 माइनस 1 अपान 2, यहां पे जब आप LCM लेंगे तो ये 17 LCM आ जाएगा, ठीक है? यहां पे जब इसको आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो UO की वैल्यू आ जाएगी, UO इज इक्वल टू 2 इंटू 8.75 अपान 2 माइनस 8.75। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो UO की वैल्यू अप्रॉक्स 2.59 सेंटीमीटर आती है। कितनी आती है? 2.59 सेंटीमीटर। So, UO की वैल्यू आ गई, ये हमारा एक आंसर आ गया।
अब हमको मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करनी थी इस सिचुएशन में। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास कितनी आएगी, वही फार्मूला इन्फिनिटी के लिए क्या फार्मूला भी पढ़ाया था, वी ओ अपान यू ओ डी अपान एफ ई। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू वी ओ कितना आया है 8.75, यू ओ 2.59 माइनस का, ठीक है, और डी 25 अपान एफ ई। एफ ई कितना आया बच्चों, एफ ई यहां पे आ गया है 6.25। ठीक है, तो एम की वैल्यू आएगी 13.5 माइनस का, तो एम की वैल्यू क्या आ गई 13.5। तो इस समय मैग्नीफाइंग पावर होगी 13.5। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कॉन्टेक्ट में आके फिजिक्स सीख सकें।